हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई प्याज की सब्जी। ये बहुत ही आसान डिश है और 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए ये स्क्रीन पे आए सारे इंग्रेडिएंट्स। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें सब घर पे मिल जाएंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे और फिर उसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई डालेंगे, 4 कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमने बहुत बारीक नहीं काटा है, 4-6 लहसुन क्लॉव्स को हमने काट लिया था। और अब हम डालेंगे उसके अंदर तेज पत्ता और इलायची, और ये सब डालने के बाद उसे मिक्स कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा ये सॉटे हो जाए तो हम उसके अंदर कटे हुए हमारे 3 स्क्वायर शेप के जो कांदे हैं वो डालेंगे। हम इस कांदे को बहुत पकाएंगे नहीं और मिक्स करके ढक्कन ढक दें। हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब ये थोड़ा नरम हो चुका है, हमने 2 मिनट करीब ढक्कन ढाका था। अब हम इसके अंदर टमाटो की प्यूरी डालेंगे। हमने 2 टमाटर को ग्राइंडर में पीस लिया था और अब हम उसको इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसे एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे। प्यूरी डालने के बाद हमें इसे करीब 2 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे। ढककर नहीं ढकना है, बस बीच बीच में मिक्स करते रहना है। हमारा टमाटर जो है वो अब थोड़ा पक चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर। सारे मसाला डालने के बाद हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। सब मसाला डालने के बाद हम इसे 1-2 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर 1/2 कटोरी मलाई ऐड करेंगे। फ्रेश मलाई, क्रीम, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो हम वो डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने के बाद हम इसे करीब 1-2 मिनट पकाएंगे और हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी सब्ज़ी जो है वो अब ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और हमारी सब्ज़ी जो है वो 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगी। हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अब हमें इसे पकाना नहीं है, बस मेथी डाल के एक बार हम इसे मिक्स करेंगे और हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी है। इसे फ्रेश हरे धनिए से गार्निश कर लीजिए और आपकी मलाई प्याज की सब्ज़ी रेडी है सिर्फ 15 मिनट में। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।